हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र भारद्वाज, पेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एलिगेशन मिक्सचर पे एक और वीडियो बनाएंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था, हमने एलिगेशन मिक्सचर के वो क्वेश्चंस किए थे जिसमें दो चीज़ों को मिला करके मिक्सचर बना रहे थे हम लोग। आज हम कुछ क्वेश्चंस वो करेंगे जिसमें एक मिक्सचर में से कुछ निकालेंगे तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसके क्वेश्चंस जो होंगे, इस बार हम निकालने वाले क्वेश्चंस करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जिसको एक बार हम डिस्कस करेंगे आज। पहले मैं बताता हूं आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में बताया ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर कंटेन्स 15% साल्ट, 30 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, देयरफॉर द स्ट्रेंथ ऑफ साल्ट बिकम 25%, फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। एक बार हम इसको समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में एक मिक्सचर दिया गया है साल्ट और वाटर का, उसमें 15% साल्ट है, बाकी सारा पानी है। उस मिक्सचर में बताया कि साल्ट 15% है। अब इस मिक्सचर को उबाला, बॉयल किया। जैसे ही हम बॉयल करेंगे पानी भाप बन के उड़ेगा, तो 30 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया। इसमें दे रखा, देखो 30 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, 30 लीटर पानी भाप बन के उड़ा दिया। अब जो नया मिक्सचर जो बचा उसमें नमक का परसेंटेज ज़्यादा होगा, 15% से ज़्यादा होगा। अब वो 25% है, ठीक है, क्योंकि नमक तो उड़ा नहीं, भाप बन के सिर्फ पानी उड़ा था, तो वो 25% अब आपका इसका परसेंटेज रह गया। आपको बताना है कि जो शुरू में मिक्सचर था वो कितने किलो था, कितने लीटर था, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा, देखो एक बार कैसे सोल्व करना है। इसमें हमें जो पानी उड़ाया उसकी क्वांटिटी दे रखी है। अगर हमारे पास ओरिजिनल मिक्सचर और जो पानी उड़ाया उन दोनों का रेशियो हो, तो हम इसको 30 लीटर को कंपेयर कर लेंगे जो वाटर उड़ा है, और ओरिजिनल मिक्सचर निकाल लेंगे। तो हमें रेशियो चाहिए मिक्सचर, ओरिजिनल मिक्सचर एंड वाटर जो उड़ाया उसका। इसके लिए हम एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। देखो इसमें ये आपका ओरिजिनल मिक्सचर है, इसमें से हमने वाटर इवेपोरेट कर दिया, जैसे ही पानी उड़ेगा ये नया मिक्सचर बनेगा, न्यू मिक्सचर। देखो इसमें तीन चीजें हैं, ये ओरिजिनल मिक्सचर था, इसमें से हमने कुछ पानी उड़ा दिया, 30 लीटर उड़ा दिया, जैसे ही पानी उड़ेगा ये नया मिक्सचर बनेगा। अब इसको रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए, एलिगेशन मेथड यूज करने के लिए, हम हर जगह सॉल्ट के परसेंटेज ले लेते हैं। यहां भी सॉल्ट का परसेंट ले लेते हैं, यहां भी और यहां भी। यहां पर ये हमारी चॉइस है, हम सॉल्ट का परसेंटेज लें या वाटर का परसेंटेज लें, दोनों ही ऑप्शन है अपने पास। हम थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट दे रखा है इसलिए सॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है, हम वाटर भी ले सकते हैं। चलिए एक बार देखो जरा, इस मिक्सचर में 15% सॉल्ट है, इसमें से जो पानी उड़ाया उसके अंदर तो सारा ही पानी है, उसमें सॉल्ट है ही नहीं, 100% सॉल्ट है। अब ये नया मिक्सचर बना, नए मिक्सचर में 25% सॉल्ट है, ये दे रखा है। अगर आप इसको वाटर से सोल्व करना चाहते हो तो वाटर भी ले सकते थे यहां पर, ये सॉल्ट की जगह वाटर आएगा, यहां भी वाटर आएगा, यहां भी वाटर। उसमें क्या करना होगा, देखो अगर सॉल्ट 15% है तो वाटर उसमें 85% होगा, यहां पर सॉल्ट 100% है तो वाटर इसमें 0% होगा, और यहां मिक्सचर में, नए मिक्सचर में सॉल्ट 25% है तो वाटर इसमें 75% लेना होगा। यहां 85% ले सकते हो, यहां 75% ले सकते हो, यहां जीरो ले सकते हो, तो भी आप रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए एक बार हम रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो मिडिल वाली जो चीज है इससे दोनों का बारी बारी डिफरेंस लेंगे। इससे इसका डिफरेंस लो, ये 10 आ गया, पर ये लिखना इसके नीचे है। इससे इसका डिफरेंस लेके इसके नीचे लिखोगे, एंड इससे इसका डिफरेंस लेके 25 से 100 का डिफरेंस 75, वो इसके नीचे लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से ये आपका रेशियो आ जाएगा, ये वेट का रेशियो है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, अगर सॉल्यूशन 75 था तो उसमें से पानी हमने
10 उड़ा दिया, कितना पानी उड़ा दिया, 10 उड़ा दिया, ठीक है, ये इसका मतलब है। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, 15% था, ये 25% हो गया। वाटर, सॉरी यहां पर हमने देखो मिस्टेक हो गया हमसे, ये वाटर इवेपोरेटर इसमें साल्ट जीरो है, इसमें साल्ट है ही नहीं, जो पानी था जो भाप बन के उड़ा था उसमें साल्ट नहीं गया था, इसलिए साल्ट को 0% लेना पड़ेगा अपने को। तो ये आपका डिफरेंस 25 आ गया, इनका डिफरेंस 10 इधर लिखा, इनका डिफरेंस 25 इधर लिख लिया, ये रेशियो आ गया। एक बार मैं इसका मतलब बता देता हूं क्या है, ओरिजिनल मिक्सचर जो शुरू में था हमारे पास वो 25 अगर था तो उसमें से हमने 10 पानी उड़ाया है, ठीक है। अब इस हमारे रेशियो वाले को असली वाले से कंपेयर करते हैं, देखो एक्चुअल में जो पानी उड़ाया वो 30 लीटर उड़ाया है, तो 30 लीटर इससे कंपेयर करो, हमारी रेशियो के हिसाब से 10 उड़ाया था, एक्चुअल में 30 लीटर उड़ाया है, और ये एक्चुअल आपसे पूछा है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें देखो जरा, रेशियो वाले का एक्चुअल अगर 3 टाइम है तो इसका रेशियो वाले का ये एक्चुअल भी 3 टाइम होगा, ये आपका 3 टाइम हो गया, तो आप इसका 3 टाइम कर लीजिए, 75 लीटर आ गया, ये आपका आंसर है। यानी जो ओरिजिनल मिक्सचर था वो 75 लीटर था, उसमें से 30 लीटर वाटर हमने भाप बना के उड़ा दिया था, उसके बाद जो नया मिक्सर बचा था उसमें 25% आपका साल्ट था, ओके। तो ये एलिगेशन मेथड यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, क्लियर हुआ ये ना आपको। मैं अगर इसको चाहूं तो अब हम इसको वाटर से भी एक बार सॉल्व कर सकते हैं, मैं एक बार देखो वाटर से एक बार फास्ट फास्ट आपको करवा देता हूं। देखो आप, अभी हमने यहां पर सारे सॉल्ट परसेंटेज लिए थे, इस बार हम वाटर के परसेंटेज लेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां भी वाटर ले लेते हैं, यहां भी वाटर और यहां भी वाटर। अब देखो जरा, आपका जो ओरिजिनल मिक्सचर जो था उसमें वाटर 15% था, अगर वाटर 15 था तो सॉरी ओरिजिनल मिक्सचर में साल्ट 15% था, साल्ट 15% था इसका मतलब पानी उसमें 85% था, 85% लिख लीजिए यहां पे। जो पानी उड़ाया वो तो सारा ही पानी था, 100% का 100% पानी था, तो यहां 100% लिख लेंगे, पिछले में हमने यहां जीरो लिया था। अब जो नया मिक्सचर जो बना उसमें पानी 25% है, सॉरी साल्ट 25% है, इसका मतलब उसमें पानी 75% होगा, साल्ट का दे रखा था उसने 25%, इसका मतलब उसमें वाटर 75% होगा। तो यहां से फिर एलिगेशन यूज करते हैं, एलिगेशन में क्या करोगे आप, इससे इसका डिफरेंस लो 10 इधर लिख लो, इससे इसका डिफरेंस लो 25 इधर लिख लो, ये आपका रेशियो आ गया। यानी अगर मिक्सचर ये वही रेशियो आया 25-10, हमने यहां पर सॉल्ट के परसेंटेज लिए थे तो भी यही आया था, अभी भी ये आ गया। तो फ्रेंड्स देखो एक बार, अगर ओरिजिनल मिक्सचर 25 है तो उसमें से 10 लीटर हमने पानी भाप बना के उड़ाया है, पर असली में 10 नहीं उड़ाया था, असली में तो 30 लीटर उड़ाया था, यानी इसका हमारी रेशियो वाले का 3 गुना था, ये एक्चुअल था, तो ये भी एक्चुअल हमारी रेशियो का 3 टाइम होगा, यानी 75 लीटर होगा, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन था, ओके। इसी सीरीज में हम 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, एक बार देखिए मैं वो क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, देखिए एक बार फ्रेंड्स देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक बार क्वेश्चन बोल के बता देता हूं क्या क्या है इसमें। फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 200 kg फ्रेश फ्रूट। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 200 किलो फ्रेश फ्रूट है। फ्रेश फ्रूट के लिए बेस्ट एग्जांपल ग्रेप्स का ले लेते हैं हम, हमारे पास 200 किलो फ्रेश ग्रेप्स है, उसके अंदर 68% वाटर है। अब इस 200 ग्रेप्स को हम कुछ टाइम कुछ दिनों के लिए एज इट इज रख देंगे और धीरे धीरे करके ये सूखता चला जाएगा। एक्चुअली होगा क्या, इसके अंदर जो वाटर का कंटेंट है, पानी जो है वो भाप बन के उड़ना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा। इसका जो मैटर है वो इसमें एज इट इज रहेगा। मैटर में क्या क्या, इसका सीड हो गया आपकी, इसकी फाइबर है, इसका इसकी जो आउटर स्किन है, यानी जो भी मैटर है इसके अंदर वो उतना ही रहेगा। उस मैटर के अंदर जितना वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और ये इवेपोरेट होकर के जब ये 20% बच जाएगा उसको हम ड्राई फ्रूट का नाम दे देंगे कि ये ड्राई फ्रूट हो गया भाई, ये सूखे छोटा हो गया, उसको जो सूखेगा, सूखने के बाद वो किशमिश बन जाएगी, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, हमारे पास 200 किलो ग्रेप्स है, उसको हम कुछ दिनों के लिए रख देंगे,
उसमें से पानी सूखना स्टार्ट हो जाएगा और वो सूख करके किशमिश बन जाएगा, उसको हम ड्राई फ्रूट बोलेंगे। उस ड्राई फ्रूट में 20% वाटर होगा, अभी भी उसमें गीलापन होगा। तो हमें यह देखना है कि जो 200 किलो जो ग्रेप्स था, इसमें से कितना ड्राई फ्रूट हमारा बना है, हमारा ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए अगेन इसको हम परसेंटेज मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं वो अभी डिस्कस नहीं कर रहा इसके अंदर। इसके अंदर मैं आपसे आपको एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, मैं वो डिस्कस करूंगा आपसे। देखिए एक बार इसमें क्या है, इसमें एक तो फ्रेश फ्रूट है, मैं FF लिख रहा हूं, इसका मतलब हुआ फ्रेश फ्रूट, ठीक है। इस फ्रेश फ्रूट में से वाटर इवेपोरेट होगा, पानी बाहर निकलेगा, ये पानी उड़ेगा, तब जाकर के ड्राई फ्रूट बनेगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें हुई, ये फ्रेश फ्रूट है, ये भी मिक्सचर है, किस चीज का मिक्सचर है, इसमें एक वाटर है और इसमें मैटर है। हम वाटर का परसेंटेज लेते हैं इसमें, ठीक है। अब जो वाटर जो उड़ेगा, इवेपोरेट होगा, उसमें भी हमने वाटर का ही परसेंटेज ले लेना है, क्योंकि तीनों परसेंटेज जो तीनों चीजें लेंगे वो सेम लेनी है। जो ड्राई फ्रूट बनेगा उसमें भी हमने वाटर को ले लेना है, वाटर का परसेंटेज लेंगे, ठीक है। फ्रेश फ्रूट है, उसमें वाटर और मैटर है, उसमें से पानी धीरे धीरे भाप बन के उड़ेगा, वाटर इवेपोरेट लिख देते हैं इसको, वाटर इवेपोरेटेड, पानी भाप बन के उड़ गया, तब जाके ड्राई फ्रूट बना। हमने इनमें सब जगह वाटर के परसेंटेज लिए हैं फ्रेंड्स, आपको यही बात ध्यान में रखनी है। आपने अगर एक जगह वाटर का परसेंटेज लिया है तो तीनों जगह वाटर का परसेंटेज होगा। हम मैटर के परसेंटेज से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम वाटर से सॉल्व करते हैं। देखो जो आपका फ्रेश फ्रूट था उसमें 68% वाटर था, जो पानी भाप बन के उड़ा है, जो पानी जो सूखा है, पानी निकला है उसमें से, उसमें सारा ही पानी था, वो सारा वाटर ही था, उसमें 100% पानी था, ठीक है। अब ये ड्राई फ्रूट बन गया है, जैसे उसका पानी सूखेगा वो ड्राई फ्रूट बनेगा और ड्राई फ्रूट में 20% पानी होगा, ठीक है। तो अब हम एलिगेशन यूज करके रेशियो लेंगे, रेशियो इन दोनों चीजों की आएगी, इसकी और इसकी रेशियो आएगी, हमेशा इन दोनों की आती, बीच वाले की कभी नहीं आती है। तो एलिगेशन से रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो एक बार इससे इसका डिफरेंस लेके इधर रखते हैं, ये रख लिया, इससे इसका डिफरेंस लेके इधर रखेंगे, इससे इसका डिफरेंस 80 आ गया, वो ये रख लिया, ये आपका रेशियो आ गया। किस किस चीज का रेशियो आया है, अगर फ्रेश फ्रूट 80 था तो उसमें से वाटर 48 उड़ा दिया, बट हमारे पास ये फ्रेश फ्रूट 80 नहीं था, हमारे पास 200 केजी था, 200 किलो था। तो देखते हैं 200 किलो में से कितना पानी उड़ गया होगा, 200 किलो में से इनको कंपेयर करना है। आप देखो कंपेयर करने के लिए क्या कर सकते हो, यहां भी जीरो है यहां भी जीरो, इसको छोड़ देते हैं, दोनों जीरो को कैंसिल मान लेते हैं। अब यहां पर 8 बचेगा या 20, इस 8 का ये 6 टाइम है, तो इस 20 का ये भी 6 टाइम होगा, ये 120 हो गया। 200 किलो में से 200 किलो फ्रेश फ्रूट था ना, उसमें से 120 किलो पानी उड़ा दिया, तो फिर बाकी जो बचा वो सारा ही ड्राई फ्रूट बचा। इसका मतलब ड्राई फ्रूट कितना बचा, देखो 200 किलो था, उसमें से 120 किलो पानी भाप बना के उड़ा दिया, इसका मतलब 80 किलो ड्राई फ्रूट बचा। तो 200 किलो में से 80 किलो ही ड्राई फ्रूट तैयार हुआ, बाकी पानी था वो उड़ गया। तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 200 किलो फ्रेश फ्रूट था, उसमें 68% पानी था, ठीक है। इसमें से पानी इवेपोरेट किया हमने, जो पानी इवेपोरेट हुआ उसमें 100% पानी था। अब ये ड्राई फ्रूट बना, इसके अंदर 20% पानी है, तो यहाँ से हमने रेशियो निकाल लिया एलिगेशन यूज करके, रेशियो आई फ्रेश फ्रूट और जो पानी उड़ाया उसकी, 80 में से 48 उड़ा, इसका मतलब 200 में से 120 उड़ा। अगर 200 में से 120 पानी उड़ा हो तो इसका मतलब बाकी 80 किलो बचा, वो सारा ड्राई फ्रूट है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है सिमिलर सा क्वेश्चन है, एक बार वो क्वेश्चन और एक बार हम ट्राई करके देखते हैं, वाटरमेलन का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये है हमारा अगला क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे ड्राई फ्रूट वाला क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है, सेम क्वेश्चन में थोड़ी सी बात अलग की गई है। आपको मैंने रिपीट इसलिए कर दिया ये क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और थोड़ी सी अलग बात अगर दे रखो तो उसको भी आप समझ पाए, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूं क्या है, ए वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर, आफ्टर फ्यू डेज इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर, इफ नाउ इट्स वेट इज 50 kg,
देन व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल वेट, ये आपका क्वेश्चन है। देखो फ्रेश वाटर मेलन में 90% पानी है, कुछ दिनों के बाद जब ये सूख जाएगा तो इसमें 12% पानी रह जाएगा। शुरू में एक वाटर मेलन था, फ्रेश वाटर मेलन था, उसमें 90% पानी था, कुछ दिनों के बाद ये सूख जाएगा और इसमें 12% पानी रह जाएगा। ठीक है, सूखने के बाद अगर इसका वेट 50 किलो हो तो जब ये फ्रेश था उस टाइम पर इसका कितना वेट था, ये आपका क्वेश्चन है। अगेन इसके लिए हम एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। देखो एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें मैं फिर से फ्रेश फ्रूट ले लेता हूं, आप समझ लेना कि वो वाटर मेलन ही है। फ्रेश फ्रूट में वाटर लेते हैं, अब जो वाटर इवेपोरेट हुआ तब जाकर के ये ड्राई फ्रूट बना। यहां भी हम वाटर का परसेंटेज लेंगे, यहां भी आप वाटर का परसेंटेज लेंगे। फ्रेंड्स, मेरा जो पहला और दूसरा वीडियो था उसमें मैंने बहुत अच्छे से बातें समझा रखी हैं कि अगर यहां पर आपने वाटर के परसेंटेज लिए तो तीनों जगह वाटर के लेंगे, और अगर मैटर के परसेंटेज लेने तो मैटर के लेंगे। आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, देखो एक बार वाटर के परसेंटेज देखते हैं। इसमें 90% पानी था, इसका पानी उड़ा उसमें सारा ही पानी था, 100% का 100% पानी था। पानी उड़ने के बाद सूख गया ये, अब इसमें सिर्फ 12% पानी है। ठीक है, तो हम एलिगेशन से रेशियो निकालेंगे, रेशियो इन दोनों चीजों की आएगी। ये तो नया मिक्सचर है आपका, नया मिक्सचर ड्राई फ्रूट है। ओके, तो इसमें क्या करोगे, देखो एक बार इससे इसका डिफरेंस लेते हैं, 78 इसके नीचे लिख लेते हैं, इससे इसका डिफरेंस लेते हैं 88 इसको इसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ये रेशियो आ गया। ये किस चीज का रेशियो है, अगर 88 केजी वेट था तो उसमें से 78 केजी पानी निकाल दिया, 88 में से 78 किलो पानी उड़ गया। इसका मतलब अब उसका वेट कितना रह गया, अगर 88 था तो अब उसका वेट देख लेते कितना रह गया। देखो जरा, 88 अगर था तो अब 78 है, तो अब इसका मतलब इसका मतलब अब वेट कितना है, 10। हमारे अकॉर्डिंगली, हमारे रेशियो के हिसाब से अब वेट 10 है, बट हमारे वाले को असली वाले से कंपेयर करना होता है। तो इस हमारे वाले, ये इसका मतलब समझ लो एक बार क्या है, मैं फिर से बता देता हूं। अगर ये शुरू में जब फ्रेश था, इसका 88 था, तो इसमें से 78 पानी निकाल दिया हमने, तो अब वेट कितना है, रेशियो के अकॉर्डिंगली अब वेट इसमें 10th है। नाउ इट्स वेट इज, या आप यू लिख सकते हो, नाउ इट्स वेट, या अब ड्राई फ्रूट कितना है, आप यू कह सकते हो, आप नाउ ड्राई फ्रूट कितना है, 88 माइनस 78 10 है, बट एक्चुअल में 10 नहीं है, एक्चुअल में 50 केजी है। ठीक है, तो उसने पूछा है कि जब ये फ्रेश था तो कितना वेट था, फ्रेश का तो इतना वेट था। अगर वो फ्रेश का पूछता है, यानी फ्रेश फ्रूट का अगर वेट पूछता है, तो आपको 88 की वैल्यू बतानी है, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर वाटर कितना उड़ा ये पूछता तो उसका आंसर आएगा, आपको 78 की वैल्यू लेनी होगी। खैर, अभी हमसे तो इसने फ्रेश फ्रूट ही पूछा है। देखो इसका ये अगर 5 गुना है तो इसका 5 गुना 440 किलो आ गया, यानी जब ये फ्रेश था तो उस टाइम पे 440 किलो का था ये। ठीक है, 440 किलो का था, इसमें से 50 किलो अब रह गया, इसका मतलब बाकी सारा पानी उड़ गया। पानी कितना उड़ा, आप इसमें से इसका डिफरेंस ले लो 390, या फिर इसका 5 गुना कर देना, ये भी 390 आ जाएगा, जितना पानी उड़ाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। आज ये क्वेश्चन थे कि मतलब पहले से ऑलरेडी एक मिक्सचर है, उसमें से कुछ चीज, कोई चीज निकाल ली जाए तो नया मिक्सचर जो बनेगा, ये उसके क्वेश्चंस थे। इसे पिछली वीडियो में हमने देखा था, दो चीजों को मिला के नया मिक्सचर बनता है, उनके क्वेश्चंस किए थे। आज पहले से मिक्सचर में से कुछ निकाल के नया मिक्सचर जो बनता उसके क्वेश्चंस किए। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब मैंने भी अपना रिदम पकड़ लिया है, बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, मैं आगे ट्राई करूंगा कि गैप ना आए। रेगुलर इंटरवल पर आपको वीडियोस मिलते रहें, एंड आई अश्योर यू कि यू विल गेट द मतलब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको दूंगा मैं। नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस फ्रेंड्स आप और बहुत सारी वीडियोस में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, और उनका कोई वो सारे आजकल सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं से सीख ही लेते हैं। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को, तो फ्रेंड्स मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल की चीज़ें बेस्ट से बेस्ट मेथड से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आप मेरे वीडियोस को देखिए, उनको शेयर करिए, और हमारा पेस ऑनलाइन चैनल है फ्रेंड्स, उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं बहुत जल्द ही आपको
नेक्स्ट वीडियो और मैं बताता हूँ, बना के देता हूँ, ठीक है। थैंक यू।